नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मंचा न्यूज़। मैं आपके साथ अंकित सिंह चौहान। बता दूं कि हिट मशीन खेसारी लाल जी का गुस्सा अभी भी ठंडा नहीं हुआ है। 15 दिसंबर की सुबह सुबह 11 बजे इंस्टाग्राम पर लाइव आकर अपनी गुस्सा को जाहिर किया और आज 16 दिसंबर को एक बार फिर हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी ने अपने गुस्से को जग जाहिर किया है। जी हाँ, बता दूं कि आज सुबह उन्होंने 8:51 पर अपने ट्विटर अकाउंट यानी कि ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट किया और ट्वीट करके अपनी गुस्सा एक बार फिर जाहिर की है। हेड मशीन खेसारी लाल यादव जी ने इस ट्वीट में लिखा कि इनकी ये लकीर स्टेज पर शराब पीकर गाना गाने तक या न्यूज़ रूम में दारू पीकर एंकरिंग करने तक ही हो सकती है। भोजपुरी भिखारी ठाकुर और हमारी मीडिया गोयंका जी जैसे लोग के चलते जानी जाएगी। सर मानी चाहिए ऐसे नंबर वन बनने की होड़ से। थू, ये था हिट मशीन खेसारी लाल यादव जी का ऑफिशियली ट्वीट। यानी कि कह सकते हैं कि जो विवाद है 14 दिसंबर की रात्रि से शुरू होती है, 15 दिसंबर को खेसारी लाल यादव जी इंस्टाग्राम लाइव आते हैं और पवन सिंह के ऊपर कटाक्ष करते हैं, पूरी तरह से अपने गुस्से भड़ास को निकालते हैं और एक बार फिर 16 दिसंबर को सुबह सुबह अपने ऑफिशियली ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट करते हैं और लिखते हैं कि जिस तरह से उन्होंने लकीर खींची है वो दारू पीने तक ही खींची है और उन्होंने कुछ नहीं किया है। भोजपुरी इंडस्ट्रीज़, भिखारी ठाकुर और साथ ही मीडिया की जिस तरह से मीडिया गोयंग का नाम लिया है उसकी बदौलत जानी जाती है, किसी की लकीरों की बदौलत नहीं। यानी कि अगर बात करें हेड मशीन खेसारी लाल यादव जी के गुस्से की, तो पिछले 2 दिनों से लगातार इंडस्ट्रीज़ में विवाद एक बड़ी विवाद बनकर सामने आई है। 14 दिसंबर की रात में पवन सिंह जी ने अपने गुस्से को जग जाहिर किया था कि किस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्रीज़ उनके कदमों पे चलती है, उनके आगे पीछे कोई नहीं है। तो वहीं अगर 15 दिसंबर की बात करें तो खेसारी लाल यादव जी लगभग 27 मिनट से ज़्यादा वीडियो में लाइव आते हैं और फिर वो पूरे वीडियो में 25 से ज़्यादा मिनटों तक सिर्फ पवन सिंह के गुस्से के ऊपर ही अपनी बयान देते हुए नज़र आते हैं। यानी कि तमाम जो चीज़ें हैं वो अब एक बड़ी विवाद का कारण बनते जा रही है इंडस्ट्रीज़ में। अगर बात करें तो लगातार जो देखी जा रही है, समझी जा रही है, वह यही है कि भैया ये विवाद ख़त्म कैसे हो, क्यों हो। अभी तो हालांकि इस पे कुछ कह नहीं सकते, लेकिन एक बार फिर आज ट्वीट करके खेसारी लाल यादव जी ने अपने गुस्से को फिर से जग जाहिर किया है और अभी उनका गुस्सा ठंडा नहीं हुआ। यानी कि पवन सिंह जी की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं खेसारी लाल यादव जी के दिल पर लगी है और इतनी तेज़, इतनी गंभीर लगी हुई है कि उसको भुला पाने में अभी मुश्किल हालात नज़र आ रहे हैं। खेसारी लाल यादव जी की अगर कहीं तो खेसारी लाल यादव जी की अगर बात करें तो ये ट्वीट अब यही बयां कर रही है, यही संदेश दे रही है कि इंडस्ट्रीज़ में और भी विवाद है जो होते जाएगा और साथ ही यह विवाद अभी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हमारे साथ बने रहिए, हम आपको बड़ी अपडेट पे और भी बताने वाले हैं। और साथ ही खेसारी लाल यादव जी का यह ट्वीट आज सुबह से ही काफ़ी वायरल हो रहा है, लोगों की जो प्रतिक्रिया है लगातार आकर दे रहे हैं वहाँ पर, शादी कुछ वीडियो क्लिप भी वहाँ पर नज़र आ रही है। हमारे साथ बने रहिए, हम अगली वीडियो में एक और बड़ी खबर लेकर आते हैं और बताते हैं कि इंडस्ट्रीज में आज कुछ क्या कुछ हो रहा है, शादी का कुछ होने वाला है। अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए और हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।